हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू फिजिक्स फॉर यू। काफ़ी दिनों बाद आप सबको देख के यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लग रहा है मिलके। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था वीडियो डालना है डालना है डालना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी सब क्वारंटाइन मतलब लॉकडाउन की वजह से सब घर पे है, इस वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम मिल गया। और मैंने डिसाइड किया कि हाँ, आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थ्रू व्हाट्सएप थ्रू फेसबुक कि सर, ये जो क्वारंटाइन है मतलब ये जो लॉकडाउन है, ये कब ख़त्म होगा और कब एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट रहेगी। तो इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने के लिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं और क्या सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है इस टाइम का। बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं बता रहा हूँ। इतने लकी हो आप, इतने लकी हो कि इतना टाइम मिल रहा है आपको पढ़ाई करने के लिए, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका जो आइडिया जो आपका कन्फ्यूजन है अबाउट व्हेन क्वारंटाइन विल व्हेन लॉकडाउन विल ओवर, है ना, व्हेन इट विल स्टॉप, कब उस पर ब्रेक लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़े ही जा रहे हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र इन केरला बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में भी दिन ब दिन केसेस जो है वो 100 बढ़ते जा रहे हैं, 100 केसेस दिन हर दिन ऐड होते जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी सीरियस नाउ। एंड मैं आपको बता दूं कि जो भी कंट्रीज़ थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, इटली हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, तो सब कंट्रीज़ में सबसे पहले जो केसेस थे वो कम कम थे और बाद में एक पीक पे आ गए, है ना। तो उस पीक पॉइंट पे अभी इंडिया जाने को है ना। अभी तक अपन वहाँ पे नहीं पहुँचे, अपन काफ़ी दूर है। सो ये तो डेफिनेटली मान के चलिए, अगर ये लॉकडाउन हटाया तो ये कोरोना के केसेस और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ रिस्क लेगी, और नहीं लेगी, डेफिनेटली नहीं लेगी। और ये जो लॉकडाउन है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। अभी वो नहीं बता रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, है ना। तो आपने अभी हाल ही में NCERT का नोटिस देखा होगा, जो नोटिस आया है उन्होंने रिक्वेस्ट की है जो उनका टाइम टेबल है उसको रीशेड्यूल करना है। अब रीशेड्यूल करना इसका मतलब क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है? इनको रीशेड्यूल इसीलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने जो डेट दी थी नीट और JEE की, वो लास्ट वीक ऑफ मे दी हुई है। अब लास्ट वीक ऑफ मे दी हुई है तो इसका मतलब एक्चुअल में जो एग्ज़ाम थी वो मई के एंडिंग में या फिर जून के फर्स्ट वीक में होने वाली थी, लेकिन उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है दैट दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर चेंजिंग फॉर रीशेड्यूलिंग द डेट्स, है ना, फॉर रीशेड्यूलिंग देयर एकेडमिक कैलेंडर। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी कुछ डिसीजन पे नहीं आए हुए हैं, उनको भी पता है कि ये जो लॉकडाउन है बढ़ने ही बढ़ने वाला है। सो जो एग्ज़ाम की डेट है वो मई के और आगे चली जाएगी, दिस इज़ फॉर श्योर। और मैं बता रहा हूँ जून में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो एग्ज़ाम दैट इज़ नीट एंड JEE कम से कम हर साल मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, और उनको मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। और कम दिनों में उनको उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करना, और बहुत सारे क्राइसिस आ चुके हैं कंट्रीज़ में, तो वो सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अभी मैनेजेबल है 1 महीने में। सो जून का महीना भी चले जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको ये जो एग्ज़ाम है ये एक तो जून के एंडिंग में रहेगी या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अगर ये जो लॉकडाउन है ये अगर सक्सेसफुली रहा तो। अगर मान लेते हैं कुछ 20-30% बढ़ गया, और या फिर जिस हिसाब से अपने जो इंडियन पीपल है उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या फिर कुछ और केसेस बढ़कर सामने आए, है ना, एक्सीडेंटली विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो मे बी ये जो लॉकडाउन है और भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये एग्ज़ाम मुझे लगता है 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में रहेगी। सो यू हैव ह्यूज टाइम, यू हैव अप्रैल, यू हैव मई, यू हैव जून, 3 महीने भाई आपके पास। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया भाई अभी तो पढ़ो, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिनका कुछ नहीं हुआ है उस पोर्शन को कवर करो, जिनका ऑलरेडी बहुत कुछ हुआ है वो क्या करेंगे बच्चे, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितना ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हो सके। जैसे फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स में मान लेते हैं आपने 7-8 यूनिट्स कवर कर दिए, लेकिन आपको रोटेशनल मोशन में दिक्कत है, तो रोटेशनल मोशन अच्छा करो, उसको टाइम दो, उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि
मैं बता रहा हूँ, टाइम बढ़ेगा मतलब बच्चे और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, बच्चे और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे मतलब कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो पढ़ाई करना ही होगा। एंड मोस्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं या फिर थोड़ा बहुत हो चुका है, उनका उनके बहुत सारी क्वेरीज आए हैं, और उनके क्वेरीज मद्देनज़र लगते हुए मैंने एक डिसीजन लिया है। हम टॉप फैकल्टीज फ्रॉम इंडिया, फिजिक्स के लिए तो मैं हुई, केमिस्ट्री के लिए एक कृष्ण सर, मैथ्स के लिए महेंद्र सर हु हैज़ अराउंड 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स, और बायोलॉजी के लिए एक एक्सपीरियंस फैकल्टी हम क्रैश कोर्स में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब ये क्या क्रैश कोर्स कब से रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो स्टे स्टे ट्यून्ड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही नए नए अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ डेली 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 बताते रहूँगा, जैसे अपडेट आया मैं बताते रहूँगा। सो अगर आपको अपडेटेड रहना है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। अगर कोई दिक्कत है तो मेरा फेसबुक का जो लिंक है मैंने शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर सकता हूँ आपको फेसबुक के थ्रू, लेकिन कनेक्टेड रहिए, कनेक्टेड रहिए, डोंट बी कन्फ्यूज एंड बी कॉन्फिडेंट। मुझे सब पता है भाई, सब, अगर आपको दिक्कत है तो सबको दिक्कत है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट पैनिक, एंड आई मेक श्योर यू दैट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस टाइम। थैंक यू।